ये हमारे हकीम साहब हैं, उनका गार्डन है। इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस है। एक जना था जो हकीम साहब घोड़ी तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे है रोती, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। काफी खूबसूरत फूल, एकदम वाइट वाइट। और ये क्या है? कपाल फूरी। कपाल फूरी तो गुब्बारे जैसा है, सर दर्द में काम आता है। सर दर्द में काम आता है। वेलकम टू लुक एंड फील विथ मुजाब, आपका एक नए ब्लॉग में खैर मकदम है, स्वागत है। आज मैं आपको लेके आया हूँ एक बॉटनिकल और हर्बल गार्डन में। ये हमारे हकीम साहब का बॉटनिकल गार्डन है, इसमें बहुत सारे तरह की जड़ी बूटी के पौधे हैं। 200 लगभग 200 किस्मों के हमारे हकीम साहब ने इसमें जड़ी बूटी का पौधा लगाया हुआ है। तो ये हर्बल भी है और बॉटनिकल गार्डन भी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से पौधे हैं, उसका क्या नाम है और कौन सी बीमारियां में वो पौधे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। हकीम साहब, ये कौन सा पौधा है? बर्बेरिस। अच्छा, ये बर्बेरिस है। बर्बेरिस, ये जो यहाँ कागज पर लिखा हुआ यही है ना, बर्बेरिस। अच्छा, ये औषधि उपयोग का लंबा इतिहास है, विशेष रूप से जैसे आप देख रहे हैं, ये हम आपको दिखाना शुरू किया है। ये रीठा है, रीठा के बगल में ये है जो सो आपको, ये जो है सो आपको, ये है क्या? कंगनी कहते हैं, कंगनी कहते हैं वो, ये बवासीर में काम आता है। अच्छा, ये कौन सा है कैंसर? ये जो सदाबहार है, कैंसर में काम आता है। अच्छा, ये कैंसर में काम आता है। ये मुसुक दाना है, सफेद दाग में काम आता है। अच्छा, यहाँ पर ये जो देखते हैं अंडूसा है, बाकस, बाकस ऐसे बोलते हैं, जिसको खांसी में काम आता है। अच्छा, खांसी पीजी। ये कपाल फोड़ी है, जिसके सिर में दर्द होता है तो इसका तेल लगाने से दिमाग ठंडा रहता है, पागलपंती उन्माद को कम करता है। ठीक है, ये जो सो ये है आपको, इसको कहते हैं ये, ये, तो, ये तो गाजर है ना कैंसर? हाँ, वो लॉन्ग तुलसी है वो। अच्छा, वो तो कैंसर में काम आता है बहुत सारा। लेकिन ये गुलमिया है। अच्छा, ये गुलमिया है। हाँ, अभी अभी रक्त विदार का छोटा पेड़ रोपाया है जो खून की कमी को ठीक करता है। अच्छा अच्छा, ये डाइथेनियम है, इसको सांप काट लेता है तो नाक में सूंघाने से उसका जहर धीरे धीरे कटने लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है आपको, ये है, ये जो है आपको, ये है क्या कहते हैं, निर्गुड, जो कोई दवा खाता है तो उसका रिएक्शन है और बहुत सारा बीमारी में काम आता है, टेटनेस से भी बचाता है। अच्छा अच्छा, ये बहुत सारी जड़ी बूटी का पेड़ लगा हुआ है, लगभग 200 जड़ी बूटी का पेड़ इसमें लगा हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग बीमारियों के में इस्तेमाल होती है, उसके लिए दवा तैयार होती है। तो इसमें और भी पेड़ हैं, दरख्त हैं, जैसे खाने पीने के लिए भी आम है, केला है, जैसा देख रहे हैं है, केला का पेड़ है, बहुत सारा आम का पेड़ है। ये सांप का जड़ी है, ये कौन सा? ये जैसे ये एक है, सांप का जड़ी है ये, इसको बोलते क्या है इसे? अभी नाम उसका याद नहीं। अच्छा, मतलब सांप वगैरह जो काट ले उसके जहर को दूर करता है ना, तो इसको खा लेते हैं, तोड़ के पत्ती या दवा हुआ बनती है? नहीं, इसका दवा खिलाया जाता है। अच्छा, इसका दवा बनाया जाता है। ये मोसोफेरसम सुलेसन, अच्छा बात है। और ये सब, ये सब तो तुलसी वगैरह, उधर भी बहुत सारा है जड़ी बूटी है, छोटा छोटा है, लेकिन ये है, ये शहतूत है। अच्छा, ये शहतूत है, लटक रहा है ये गुब्बारा सब, ये क्या है? ये दिमाग का कपाल फोड़ी है। अच्छा, दिमाग का काम आता है कपाल फोड़ी, ये जो कपाल फोड़ी है, ये जो जंगल में लेके आओ कहीं इधर भी ना सांप हो, आप नहीं होगा पता चला, जड़ी का इस्तेमाल इधर ही होना करना पड़े। ये जो है आपको ताकत, बॉडी बनाने के लिए है ये। अच्छा, ये बॉडी बनाने के लिए है ये। ये जो है आपको, ये ये अंडूसा मर्दानी ताकत के लिए काम आता है। अच्छा, अंडूसा, ये सांप का जड़ी है। अच्छा, बेल है, उसके बाद, उसके बाद सदाबहार है सफेद। हाँ, वो तो देख लिया। ये जो है ये भी सांप में काम आता है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं तो लगभग इसमें कितनी बीमारी, कितनी जो आम बीमारियां हैं जो लोगों को रोजमर्रा की बीमारी, जैसे खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार, लीवर, पेट, इन सब में इस्तेमाल हो सकता है ये आपकी जड़ी बूटी? हाँ, सब का होता है, उसकी दवा ये बनाते हो? बनाते नहीं, सीधे तोड़ के देते हैं, पीस के पीता। अच्छी बात है।
तो देखिए कोई महामारी आया अब कुछ आया तो उतना तो सरकार के पास नहीं है साधन कि हर आदमी हॉस्पिटल जाएगा। यहाँ पर है अपना नेचुरल लगा हुआ था, लोग थोड़ा लोग खाया ठीक हो गया। बहुत सारा बीमारी है अब लीवर का जो नेचुरल है, अगर इसको हम मिटा देंगे तो फिर स्प्रे से मर रहा तो आने वाला पीढ़ी के लिए दिक्कत हो जाएगा। सही बात है, इसलिए हम लोग लगा के इसको बचा के रखे हुए, इसको और ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इसको जैव विधा में डालना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे हकीम साहब का बॉटनिकल गार्डन जिसमें सब्जियाँ खाने पीने का कुछ और लगभग 200 वेराइटीज़ का जो है 200 किस्म का जड़ी बूटी का पौधा है जो अलग अलग बीमारियों के लिए उसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर अच्छी लगी हो कुछ जानकारी से परिपूर्ण, और इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि हकीम साहब का हमारे जड़ी बूटी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और जिनको अगर चाहिए होगा कुछ आयुर्वेद या हिकमत वाली दवा की वो आकर संपर्क भी कर सकते हैं हमारे हकीम साहब से, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनी हुई दवा आके देखिए, इस्तेमाल करके देखिए, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, बीमारी ठीक हुई तो अच्छी बात है। और मैं आया हूँ तो इसका फ़ायदा थोड़ा हमें ये हो गया कि हमें एक चना का यार मिल गया है, वैसे इसमें कुछ चना है तो मैंने इसको उखाड़ लिया। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, एंड करते हैं। गुड बाय, थैंक यू।